ऐसा थोड़ा कंसीडर यूं करूंगा कि जो भाई अब इसका कोई भी नहीं है उसको उसको मद्देनजर रखते हुए अपना घर के नहीं नहीं सर वो तो वो अच्छी सर उस समस्या का समाधान इस तरीके की लिखित शिकायत हमारे समक्ष इसने पेश की है तो अब मेरे थाने में बैठी है ये तो क्या अपना घर वाले ले लेंगे इस लड़की को ये तो निराश है मेरे घर वाले मेरे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं मेरी और मैं भी शादी करना नहीं चाहती पढ़ना चाहती हूँ और वो जबरदस्ती मुझे धमका रहे मार रहे पीट रहे मैंने शादी के लिए मना कर दिया लेकिन वो जबरदस्ती शादी करा मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी मैं यहाँ रहती थी भरतपुर और यहाँ से ले गई मुझे कि शादी करेगी तभी हम पढ़ाएंगे मेरे घर वाले मेरे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं मेरी और मैं भी शादी करना नहीं चाहती पढ़ना चाहती हूँ और वो जबरदस्ती मुझे धमका रहे मार रहे पीट रहे मैंने शादी के लिए मना कर दिया लेकिन वो जबरदस्ती शादी करा मेरी पढ़ाई भी बंद करवा दी मैं यहाँ रहती थी भरतपुर और यहाँ से ले गई मुझे कि शादी करेगी तभी हम पढ़ाएंगे ये लड़की श्रीमान एसपी साहब के समक्ष उनकी ऑफिस में जाकर पेश हुई थी कि मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ जबकि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं जबकि मैं 18 साल से ऊपर की हूँ मैं शादी करना नहीं चाहती और मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ तो और मेरे माँ बाप के पास मैं मेरे गाँव में भी नहीं जाना चाहती तो इसके लिए अभी मैं इसको नारी निकेतन लेके जाऊँगा वहाँ दाखिल कराऊँगा इसकी समस्या वाजिब समस्या की जाँच की जा रही है